वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे टेट थ्योरी का एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे साइन बार में पूरा डिप्ली से देखे थे, तो साथ साथ फंडामेंटल क्लियर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते हुए चलेंगे। और यह कहते हैं कि जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि इस चैनल से जितना जल्द से जल्द आईटीआई लड़के ज़्यादा जुटेंगे तो आईटीआई के लिए थीटा डायग्नोस्टिक्स के लिए इस पर ऑनलाइन क्लास बहुत जल्दी कंटिन्यू चलते रहे। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 101 है। 100 का क्वेश्चन इसे पिछले वीडियो में लोड हो चुका है। इस चैनल पे क्वेश्चन 100 तक लोड है। जो स्टूडेंट नहीं देखे उस चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। तो स्क्राइबर की बात की जाए तो स्क्राइबर क्या है कि जब हम किसी भी वर्कपीस पे मार्किंग करते हैं, स्टील रूल किस प्रकार लगाते हैं, तो स्टील रूल के लगाने के साथ साथ स्क्राइबर से हम किस प्रकार को मार्क करते हैं, तो मार्क करने के लिए वही स्क्राइबर है। तो स्क्राइबर का कहा है कि पॉइंट का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 5 से 10 डिग्री, ऑप्शन डी 12 से 15 डिग्री। तो स्क्राइबर का पॉइंट जो होता है, इस प्रकार जो पॉइंट आता है ये 12 से 15 डिग्री। 101 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिफरेंट सरफेस उपलब्ध होती है। मार्किंग के दौरान कहा है कि जब किसी भी वर्कपीस पर हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने वक्त जब हम जॉब को टेबल पे रखते हैं तो रिफरेंस सरफेस मतलब हुआ कि ये सपोज मेरा जॉब है और ये कोई टेबल है, तो इस पे हम जॉब रख करके मार्किंग करेंगे, जॉब में मार्किंग करेंगे, तो ये जो मेरा हुआ ये रिफरेंस सरफेस हुआ। तो ये कह रहा है कि जो रिफरेंस सरफेस है ये कौन सा है। ऑप्शन ए है जॉब की ड्रॉइंग, ऑप्शन बी वर्कपीस, ऑप्शन सी मार्किंग टेबल की सरफेस, ऑप्शन डी सरफेस गेज। तो 102 का आंसर हो जाएगा सी मार्किंग टेबल की सरफेस। मार्किंग टेबल की सरफेस पे क्या होता है कि जब हम किसी वर्कपीस से मार्किंग करते हैं तो उसकी जो टेबल की सरफेस होता है उसी पे जॉब को हम रख के क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। 102 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 103 है, बाइलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है। बाइलेटरल टॉलरेंस की बात की जाए तो यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाइलेटरल टॉलरेंस होता है। तो बाइलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है कि ये सपोज मेरा क्या है 25 बेसिक साइज है, तो बेसिक साइज में सपोज प्लस 0.02 लिखे और यहाँ पे माइनस 0.01 लिखे, तो ये मेरा क्या हुआ कि बाइलेटरल टॉलरेंस के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें दोनों साइड टॉलरेंस जो होता है दोनों साइड में दिया जाता है। तो बाइलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है, यूनिलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है कि बेसिक साइज के एक ही ओर टॉलरेंस दिया जाता है, और बाइलेटरल टॉलरेंस में होता है कि बेसिक साइज के दोनों टॉलरेंस दिया जाता है, दोनों दो डायरेक्शन में प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है बेसिक साइज के ऊपर की ओर, ऑप्शन बी बेसिक साइज के नीचे की ओर, ऑप्शन सी है बेसिक साइज की किसी एक साइड पे, ऑप्शन डी बेसिक साइज के दोनों ओर। तो क्या बोले थे कि बाइलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है कि बेसिक साइज के दोनों ओर आता है, ये मेरा प्लस 0.02 है माइनस 0.01 है, दोनों साइड दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बेसिक साइज के दोनों। बाइलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है, बेसिक साइज के दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का एक अच्छा उदाहरण है। क्या कह रहा है, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट की बात की जाए तो लुब्रिकेंट क्या है कि दो मेटिंग पार्ट के बीच फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो लुब्रिकेंट तीन टाइप में पाया जाता है, सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ग्रीस, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी क्रिस्टल, ऑप्शन डी लाडा। तो इसका आंसर है ए ग्रीस। ग्रीस जो है वो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है, ये सेमी लुब्रिकेंट का एक अच्छा उदाहरण है ग्रीस। 104 का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 105 है ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट क्या है कि इसको ऑप्शन देखते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, सी है सॉलिड लुब्रिकेंट, डी है कोई भी नहीं। तो ग्रेफाइट जो होता है वो सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है, 105 का सी। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं पुडलिंग फर्नेस का मुख्य उत्पादन क्या है, पुडलिंग फर्नेस तो मटेरियल के अनुसार अलग अलग फर्नेस में मटेरियल को तैयार किया जाता है, तो यहाँ फर्नेस का नाम दिया है पुडलिंग फर्नेस। तो पुडलिंग फर्नेस में कौन सा मटेरियल को हम क्या करते हैं कि उत्पादन करते हैं, ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी रॉक आयरन, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी ओल्ड। तो कास्ट आयरन की बात की जाए तो कास्ट आयरन का हम लोग क्या करते हैं कि क्यूपोला फर्नेस में तैयार करते हैं, और रॉक आयरन पुडलिंग फर्नेस में तैयार करते हैं। तो 106 का जो आंसर हो जाएगा बी रॉक आयरन। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं ब्रॉन्ज का एक इलाज है, ऑप्शन ए है कॉपर और टिन, ऑप्शन बी लेड और टिन, ऑप्शन सी कॉपर और टिन, ऑप्शन डी ऑल्ड। तो ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज का एक एलाय जो है ब्रॉन्ज मिलके बना है कॉपर और टिन से, 107 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 108 माइल्ड स्टील की पार्ट की बाहरी सरफेस को के द्वारा मार्क किया जाता है, क्या होता है कि मटेरियल के अनुसार अलग अलग कार्डिंग प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ मटेरियल इंडिकेट कर दिया है कि हमको क्या करना है कि माइल्ड स्टील के पार्ट के बाहरी सरफेस को हार्ड करना है, तो उसको हार्ड करने के लिए ऑप्शन है टेम्परिंग, ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी गेस हार्डनिंग, ऑप्शन डी हार्डनिंग। तो टेम्परिंग की बात की जाए तो किसी भी वर्कपीस को जब हम हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग के साथ साथ ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए और टफनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। बी देखते हैं नॉर्मलाइजिंग, तो नॉर्मलाइजिंग की बात की जाए तो किसी भी जब हम मेटल पे हैमर से चूरते हैं या उसका दूसरा आकार बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर बनता है, तो ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं नॉर्मलाइजिंग करते हैं। ऑप्शन सी है केस हार्डनिंग, तो केस हार्डनिंग में क्या होता है किसी भी माइल्ड स्टील लो कार्बन स्टील की बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है केस हार्डनिंग विधि से। तो 108 का आंसर है सी केस हार्डनिंग विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 कोल्ड चिजल में कार्बन की मात्रा होती है, कोल्ड चिजल तो चिजल की बात की जाए तो कोल्ड चिजल काम के अनुसार चिजल को दो भाग में बांटा गया है, पहला कोल्ड चिजल दूसरा है हार्ड चिजल, कोल्ड चिजल और दूसरा है हार्ड चिजल। उसमें क्या होता है कि कोल्ड चिजल को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है और हॉट चिजल को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग जनरली वर्कशॉप में करते हैं और हॉट चिजल का प्रयोग जो करते हैं कोटिंग शॉप में करते हैं। तो कोल्ड चिजल में कार्बन की मात्रा कितनी है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 0.6 से 0.7%, ऑप्शन बी है 0.85 से 0.95%, ऑप्शन सी है 1 से 1.2%, ऑप्शन डी है 1.2 से 1.8%। तो कोल्ड चेन में कार्बन की मात्रा जो होती है वो 1 से 1.2%। 109 का आंसर है सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को कहते हैं, क्या होता है कि लो कार्बन स्टील यानी माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कम रहता है, तो कुछ प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाता है ताकि उसको केस हार्डनिंग किया जा सके। तो कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ाने के लिए कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए देखते हैं हार्डनिंग। तो हार्डनिंग की बात की जाए तो किसी भी वर्कपीस को हार्डनिंग हार्ड करते हैं जिसके द्वारा वो अगले वर्कपीस को मेटल को काट सके तो उसके लिए हार्डनिंग करते हैं, ऑप्शन बी है नाइट्राइडिंग। तो नाइट्राइडिंग क्या है कि नाइट्राइडिंग एक केस हार्डनिंग विधि है जिसमें हम लो कार्बन स्टील की सर्फेस को हार्ड करते हैं, इसमें अमोनिया गैस का प्रयोग करके हार्ड करते हैं, ऑप्शन सी है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग क्या होता है कि लो कार्बन स्टील की सरफेस पर जब कार्बन की मात्रा हम बढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोराइजिंग, और डी है टेम्परिंग।
टेम्परिंग में, टेम्परिंग की बात की जाए तो टेम्परिंग में क्या होता है कि जब किसी बर्फीज को हम हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग के साथ साथ उसमें ब्रिटलनेस का भी गुण बढ़ जाता है। तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए और टफनेस को बढ़ाने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं टेम्परिंग। तो कार्बन की मात्रा क्या है, कार्बन की प्रतिशत बढ़ाने के लिए, तो कार्बन की प्रतिशत जो हम बढ़ाते हैं उसको कहते हैं कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में कार्बन की प्रतिशत बढ़ाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 111 हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।